सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज की वीडियो में बिलाल फाइबर्स लिमिटेड का हम रिव्यू करेंगे। डिटेल में देखेंगे फंडामेंटल्स भी और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखेंगे। दोनों लिहाज से हम देखेंगे कि इस वक्त इस शेयर की क्या पोजीशन है, इस शेयर में क्या बाइंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस प्राइस पर करनी चाहिए। तो हम डिटेल से इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे और हम फिर इसके बाद इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, टेक्निकल एनालिसिस है, वो हम उसके बाद फिर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और डिटेल में इस शेयर की पोजीशन जो है वो हम देखेंगे कि इस वक्त क्या पोजीशन है। ये हमसे रिक्वेस्ट की थी अली साहब ने, मेरी वीडियो थी हस्कॉल पे, उसके नीचे इन्होंने कमेंट किया था कि भाई बिलाल फाइबर्स लिमिटेड के बारे में मैं बताऊं। तो आज हम फिर बिलाल फाइबर्स लिमिटेड का डिटेल से रिव्यू करने लगे हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं। आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ ओपन है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये शेयर जो है वो डिफॉल्टर हुआ हुआ है, यानी कि कुछ चीज़ें ना पूरी करने की वजह से, वट एवर द रीज़न, फॉर एग्जाम्पल वो रीज़न ये हो सकती है कि उन्होंने कुछ ड्यूज़ हैं PSX के वो नहीं पे किए, यहाँ जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो नहीं कराई, या क्यों रीज़न जो भी बन रही है, जो भी रीज़न है उसकी वजह से ये शेयर इस वक्त डिफॉल्टर सेगमेंट में है। इस शेयर की ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंड हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये शेयर वैसे ही एक क्रिटिकल पोजीशन में है कि इसमें तो कोई पता नहीं है कल को ट्रेडिंग इसकी बंद हो जाए। अच्छा, अगर हम जरा फाइनेंशियल साइड देख लें, शेयर इस वक्त 1.05 रुपये का है। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल देखें तो आप देख सकते हैं कि 2019 में इस शेयर को लॉस हुआ है -0.62 रुपीज़ पर शेयर, 2018 में भी इसने लॉस किया -5.56 पर शेयर, 2017 में थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया 0.95 पर शेयर, फिर 2016 में फिर लॉस है -10.79 पर शेयर। तो ये कंपनी मुसलसल जो है वो लॉसेस में है। अच्छा, अगर हम इसकी सेल्स देखें तो 2017 में इसकी सेल आ रही है, 2016 में इसकी सेल आ रही है, 2018-19 में कोई सेल नहीं आ, यानी कंपनी ने कोई सेल की ही नहीं है सीधे, यानी कंपनी कुछ चीज़ बेच ही नहीं पा रही, बिल्कुल फारिग हुई हुई है। इसके बाद अगर हम आगे आएँ पे आउट्स पर आएँ कि कंपनी ने कोई डिविडेंड कभी बोनस दिया है, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने जो आखिरी दफ़ा बोनस दिया है, सॉरी डिविडेंड जो दिया है, वो 2006 में दिया है। 2006 के बाद से लेकर अभी तक कंपनी ने कोई डिविडेंड जो है वो दिया ही नहीं, ना कोई बोनस दिया है, कोई अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ भी पे नहीं किया। तो कंपनी फाइनेंशियली जो है वो बिल्कुल अनस्टेबल है और बहुत इस वक्त रिस्की है इसमें इन्वेस्टमेंट करना। वैसे भी एक डिफॉल्टर सेगमेंट में शेयर चला गया हुआ है, तो इसमें तो ऑल वैसे भी ट्रेडिंग जो है वो करनी नहीं बनती। अब हम इसके देख लेते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट को। तो ये investing.com वेबसाइट है जो आपके सामने ओपन है और इसका ये डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आप देख सकते हैं कि ये शेयर जो है पिछले 2018 से लेकर अभी तक एक रेंज बाउंड पोजीशन में, आप देख सकते हैं कि 5 रुपये से लेकर 1 रुपये के दरमियान, या 0.26 रुपीज़ पर शेयर के दरमियान ये शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है। और इससे पहले अगर आप देखें 2016 में, तो आप देख सकते हैं अचानक ये शेयर ऐसे ऊपर गया है और फिर उसके बाद धड़म से नीचे गिरा है, यानी 3 रुपये का ये शेयर था, 3 रुपये से उठकर ये गया है तकरीबन 30 रुपये में, 31 रुपये में, और फिर धड़म से जो है नीचे गिरा। बेसिकली इसमें नज़र आ रहा है कि सट्टा लगा था, क्योंकि 2016 में कंपनी को लॉस था -10 रुपीज़ पर शेयर का, और लॉस में कंपनी हो और इस तरह अचानक ऊपर जाए फिर उसी तरह नीचे गिरे, तो ये सिंपल सी निशानी है कि इस पर बेसिकली स्पेकुलेशन हुई है और ये सट्टा इस पर लगाया गया। और यानी कि ये शेयर को सट्टेबाजी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कुछ भी नहीं है। और इस वक्त भी ये शेयर जो है एक रेंज बाउंड चल रहा है, 1 रुपये से लेकर 5 रुपये के दरमियान जो है ट्रेड हो रहा है। टेक्निकली तो क्या इसके बारे में कहना है, फंडामेंटली बिल्कुल फारिग शेयर है, तो टेक्निकली इस शेयर में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना इंतहाई बेकार सा काम है।
अपने आप को इस शेयर से बचा के रखें, मैं ये कह सकता हूँ। इस शेयर में ना ही लगाएं पैसे तो बेहतर है। ये एक सट्टे वाला शेयर है जिसमें सट्टा लगाया जाता है और फंसाया जाता है। फंडामेंटल ही मैंने आपको दिखा दिया कि इस शेयर में कुछ है ही नहीं। जब एक शेयर ये कंपनी जो है कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रही, कंपनी कुछ सेल ही नहीं कर रही, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करने की कोई तुक जो है वो बनती नहीं है। तो अपने आप को इस शेयर से बचा के रखें। जिन्होंने इस शेयर में अभी इन्वेस्ट किया हुआ है, बेहतर है अगर प्रॉफिट में तो निकल आए और बेच दें, कोई अच्छा शेयर लें। और अगर प्रॉफिट में नहीं है तो कोशिश करें जल्द अज जल्द जैसे स्टॉप लॉस पे पहुंचे, सॉरी ब्रेक इवन पे पहुंचे, इससे निकलें और कोई अच्छी जो शेयर है वो ले लिया जाए। अपने आप को इस शेयर से बचाएं तो बेहतर है। तो उम्मीद है आपको इसके हवाले से डिटेल में समझ लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।